चलिए इस ट्रैक के बदले इसे भी लगा सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं, तो अंतर क्या है, क्यों इतना बड़ा छोटा है? अंतर है, अंतर यह है कि ये कम वाट का है, ये उससे ज़्यादा वाट का है, ये उससे भी ज़्यादा वाट का है। कहने के लिए, समझने के लिए, इसकी क्षमता है 1 किलो उठाने की, इसकी क्षमता है 2 केजी उठाने की, इसकी क्षमता है 5 केजी उठाने की। समझ गए? 5 केजी उठाने के लिए इसको बोल देंगे तो इसकी राम नाम सत्य हो जाएगा, इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसको एक बार इसको दे देंगे काम तो ये भी मरते मरते करेगा, लेकिन इसकी भी संभावना है कि खराब हो जाए। इसका काम इसको दे दिया जाए तो सस्ता पड़ जाएगा, इसको दे दिया तो सस्ता पड़ जाएगा, दोनों का काम यानी इसके बदले में, इन दोनों के बदले में ये काम कर लेगा, क्योंकि इससे 5 गुना ये है, इससे 2 गुना लगभग है। तो ये समझने के लिए मैं बोला हूँ, ऐसे नहीं होता है। तो अब हम इसके बदले में लगाएंगे तो पहले टेस्टिंग देख लेते हैं, टेस्टिंग कैसा होगा। और इसको टेस्टिंग करने के लिए इस मीटर के अलावा दूसरा कोई मीटर आपको नहीं बताने वाला है। शायद कुछ लोग होंगे बताएंगे कि हाँ डिजिटल मीटर पे भी चेक किया जा सकता है, कर लेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, मेरे में मीटर में तो नहीं हो रहा है। और वो मीटर जो है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा मीटर ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे देखिए तो गेट और टर्मिनल सब आपस में वो दाल चावल हो गए हैं एक साथ में। सबसे पहले पहचानने के लिए इसमें कैसे करेंगे, तो ये नया है, इसको देख लेते हैं। BTA 12 है ये, इसका सबसे पहले कौन सी पॉइंट निकालेंगे? देखिए मेन चीज़ है, जब आपको काम करना है ना तो 1 या 2 का आपको अपने पास डेटा रखना है। एक इसका रख लीजिए VCR का, और एक इसका रख लीजिए, ये दोनों को बटाटा बना लीजिए। जैसे सब्जी में डालते हैं ना आलू, किसी भी सब्जी में लगभग लगभग डालें, करेले में छोड़ के, करेले में नहीं पड़ता है, उसमें भी पड़ता होगा, अभी मैं खाना बनाने लगा। चलिए तो देख लेते हैं, कहने के लिए मैं बोल रहा था, ऐसा मत समझिए कि आलू बटाटा की सब्जी बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए जो जिस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी वो हमारा आउट पिन होगी, जो बाहर सप्लाई लेके जाएगी। समझने के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा ऐसे है ना, इस तरह से, तो ये गेट होता है, एक हमारा आउट होगी, आउट बोले तो ये जो सप्लाई हमारे मोटर को बाहर निकलती है वो हो गई, और ये हो गई इन, इन बोले तो पावर इन, ठीक है, AC इन इस पे देते हैं, और इसी पे हमारी प्लस की सप्लाई भी इंक्लूड रहती है इसी वाली पे, और इस पे जो है निगेटिव गेट के, गेट का सिग्नल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वाले को समझना है कि इसमें कौन सा है, ये कौन सा है बाहर निकलने वाला। तो उसको हमेशा जो भी बाहर निकलने वाला है, यानी जो हमारा टर्मिनल है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये पॉइंट निकल रही है, ये पॉइंट निकल रही है, तो ये पॉइंट किससे निकल रही है, तो पॉइंट देखेंगे यहाँ पे इस वाले PCB में, कि ये पॉइंट निकल के यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, ये इस तरफ, ठीक है, 1 2 3 होगा ना, तो ये निकल के आ रही है। अब इसमें हमें कौन सी है जो इस जगह पे, यानी समझ लीजिए एक वीडियो काफ़ी है, इस वाले पे लगेगी जो बाहर जा रही है, वो है ये वाली, ठीक है, ये वाली आउट जो बाहर जाएगी। तो वो कहाँ है उसका पता लगाने के लिए मल्टीमीटर यही काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं, नहीं डिजिटल भी यहाँ तक आएगा, निकालने तक तो आ जाएगा,
तो देखिए इस पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है सेंटर वाली पॉइंट पे, ठीक है, और ना ही इधर से और ना ही इधर से। तो ये इसका अब लिख करके डेटा बना लीजिए इस तरह से, ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे, और तीन टांग ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, और इस पे लिख लीजिए आउट। तो अब ये आप करना क्या है, किसी तरह भी लगाएंगे, ये पिन हमेशा बाहर की तरफ यहाँ पे होनी चाहिए, यानी इस पे आउट होगी। अब रह जाती है इन कौन सी है, इसमें इन कौन सी है, तो उसके लिए अब मल्टीमीटर को याद रखिए, यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे जब भी हमने लगाया तो हमारा कांटा देखिए कहाँ पे है, इस जगह पे है, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। और इसको जब मैं रिवर्स लगाऊंगा तो देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये उससे कम हो गया, उससे कुछ रेजिस्टेंस कम है, और इस तरफ से लगाएंगे तो कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, अभी ये भी कन्फ्यूज़न है, इसका फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आप कह सकते हैं कि ये कन्फ्यूज़न है, इसमें समझाता हूँ वही चीज़ इस छोटे वाले में। तो इसको देख लेते हैं, इसका भी पहले आउट निकाल लेते हैं, आउट कौन सा है, तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे आ रही है, तो ये वाला आउट हो गया, इसको साइड कर दीजिए, ये आउट है, इसका भी आउट मिल गया, ये है, इसका आउट साइड में है। अब इसमें और इसमें कंटिन्यूटी देखते हैं, क्योंकि बहुत कम अंतर आएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे आप देखिए तो 10 तक जा रहा है, मैं रिवर्स किया तो देखते हैं कितना जाता है, 10 से ऊपर आया, ये 10 से ऊपर आया, तो ध्यान दीजिए 10 से ऊपर आया, मतलब ये है ये 10 से ऊपर आया, तो ये वाला पॉइंट जो है ये वाला ये प्लस का है, ठीक है, इस पर प्लस सप्लाई इनपुट होती है, इस पर प्लस सप्लाई इनपुट होगी, जिधर सबसे ज़्यादा रीडिंग आ गई उस पे इनपुट आपको देना है, सिग्नल इन कराना है। अब देखिए और यहाँ पे कम है तो इधर मत, जिधर ज़्यादा आ रही है ये वाला, ये है ना ये, तो इस पे सिग्नल इन होगा, यानी सिग्नल इन गेट है, ये गेट, इसे गेट बोल देंगे, इसमें ये गेट है और ये इन हो गई। तो अगर इसका डेटा बनाते हैं तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, तो अगर ये बीसी आ रहा है तो एक दो तीन टंगा, तो ये हो गया आउट, ठीक है, और ये बीच का हो गया तो ये हो गया गेट, इन कर दीजिए, इसमें सिग्नल इन होगा, और ये हो गया, तो दूसरा बचता है ये वाला, ये वाला, तो इसमें इसमें हो जाएगा पावर इन, ठीक है, इसमें पावर इन हो जाएगा, इसमें जाएगा पावर इन, समझ में आ गया, इसमें पावर इन, इसमें जो वेलेंस से सिग्नल आएगा वो इसमें आएगा। चलिए अब हम लगाने वाले हैं किसको, इसको, तो इसका कौन सा है इसे भी निकाल लेते हैं, इसका तो ये निकला, अब इसका निकाल लेते हैं, तो फटाफट करके देखेंगे इधर जो है कितना पे है, बहुत कम कम मार्जिन है इसके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, ये कितना है, एक एक दो पॉइंट के करीब है, दो तीसरे पॉइंट के आसपास था, और इधर से देखेंगे तो चौथे पॉइंट पे हो गया, एक दो तीन चार चौथे, तो ये वाला इसमें जो है
इसमें ये वाला ये जो है इन है, इसमें जो है ये वाला इन है, यही है ना, हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। हाँ ये गेट है, गेट और इसमें होगा एसी इन, ठीक है। तो अब मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर लगा के चेक करते हैं।